Today in lecture 3, we will be covering the topic that is models of atom. In the previous videos, we have studied about the discovery of protons, discovery of electron and discovery of neutron. That is clear to you. Now, atomic models. We will study Thomson model, Rutherford model in today's lecture. Thomson model of an atom. Now, scientist has discovered that after the discovery of electrons and protons, the scientists started thinking of arranging these particles in an atom. जैसे अभी discovery of proton और electron हो चुका था, तो scientists सोचने लग गए कि हम कैसे arrange कर सकते इस particles को एक atom के अंदर, ठीक है? So different scientists started working in this, and different models were proposed to explain the distribution of subatomic particles in an atom, कि एक atom के अंदर ही electron और proton होगा कहाँ? Electron और proton तो discovered हो गया, but एक atom के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होगा, कहाँ रिसाइड करेगा, कौन सी जगह पे होगा, वो साइंटिस्ट को जानने की क्यूरियोसिटी जागी. ठीक है, क्यूरियोसिटी जागी उनकी. सो द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट दैट इज रदरफोर्ड, सॉरी जे.जे. थॉमसन, ही केम फॉरवर्ड बाय अ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विच इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, एटम मॉडल, और यू कैन से अर्थ योर वाटरमेलन मॉडल. नाउ हाउ इट इज नोन एज दिस प्लम पुडिंग मॉडल या फिर रेजिंग पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल, वो हम देखेंगे. ठीक है, सो जे.जे. थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट ही सेड कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्पीयर विच इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन साइड इट. ही सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच अ वे as to give the model stable electrostatic arrangement. That he said that कि electrons ऐसे arrange है एक sphere के अंदर कि वो electrostatically उनका arrangement stable है. Okay? The radius of the sphere is in the order of 10 to the power minus 10 meter, which is equal to the size of the atom. This model was much like pudding or cake of positive charge with the raisins electrons embedded into it. Therefore, this model is also known as raisin pudding model, as you can see over here. उसको raisin pudding model से compare किया है. ये raisin pudding है, ठीक है? So ये raisins है उसके अंदर, pudding है, तो ये sphere जो yellow part है उसको positive sphere consider किया है, raisins को as an electrons वो लोग ने बोला है. ये compare करके ऐसा आप सोच सकते हो. He said that. He also said that this model as compared with watermelon model of opposite charge in which seeds electrons are embedded. ये आप देख सकते हो थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने वाटरमेलन के तरह भी उसको अपना जस्टिफाई किया था. ही सेड दैट एटम मॉडल यहाँ पे एटॉमिक मॉडल के साथ और यहाँ पे वाटरमेलन, जैसे पॉजिटिव स्पीयर है तो रेड पार्ट आपका पॉजिटिव स्पीयर्स है और नेगेटिव पार्ट उसके इलेक्ट्रॉन्स की तरह उसने बोला है कि वो रिसाइड करता है. ओके, नाउ वी विल सी दिस इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड फॉर्म हाउ it has been shown. As you can see, Thomson model of an atom, are the charged particles arranged in any particular manner? ठीक है, सो साइड फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस डायग्राम यू कैन सी, फर्स्ट में देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एन एटम या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. सो लेट अस गो टू द बैक टू द हिस्ट्री. जॉन डेल्टन ने क्या बोला था कि एटम्स आर अनडिविजिबल पार्टिकल्स. जॉन डेल्टन एटॉमिक थियोरी सेट दैट एटम्स आर अनडिविजिबल पार्टिकल्स. ही सेट दैट हाउएवर इन 1886 गोल्ड इंस्टेंट डिस्कवर्ड दैट डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से उसने हमको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बोला था. ठीक है, गैस लिया था एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट अ वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. फिर दो इलेक्ट्रॉड्स लिए थे, वो हमने स्टडी किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में. डिटेल में नहीं जाऊंगे, बस हिस्ट्री हम रिवाइज कर रहे हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल कैसे पता चला, जो मैंने आपको थोड़ा आगे प्रीवियसली भी समझाया है. ठीक है, नाउ एंड इन 1900 अराउंड 1900 दिस जे.जे. थॉमसन ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगेन बाय दैट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और यू कैन से CRT. ही ऑल्सो टेक द ये आप लिया उसने. ठीक है, अब प्रोटॉन में परफोरेटेड ट्यूब था, यहाँ पे परफोरेटेड ट्यूब नहीं है, तो उसने क्या देखा, कैथोड से रेस पास हो रहे हैं एनोड की तरफ, लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, हमने उसका मास भी फाइंड किया, mass of that electron was also fine. Electrons is known as negatively charged. So the discovery made the scientists to believe that atoms can be further divided into electron, proton and neutron. ठीक है, कि atom है वो electrons और proton considered करता है, neutron भी considered करता है. But there was a question, how?
how these particles are arranged within an atom. So they tried to understand this, उन्होंने ये सोचने का try किया by using various experiments. So the very and different models. So the very first scientist that came forward was J.J. Thomson. J.J. Thomson was the first to put forward the model of an atom. ठीक है, इन दिस मॉडल ही कंपेयर्ड हिज मॉडल टू एन एटम विद द पुडिंग इन विच रेजिन्स आर कंसिडर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन कंपेयर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन विच का एंड द साइड पार्ट्स आर नोन एज द पॉजिटिव पार्ट्स एंड ही कंपेयर्ड हिज मॉडल अगेन विद द वॉटरमेलन मॉडल इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेंडेड इन साइड इट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेंडेड इन साइड इट ऑल ओवर एज यू कैन सी. तो उसने मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर किया, आप एनिमेटेड वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो जो मैं आगे आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, सो व्हाट ही सेड दैट द अपोजिट चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये जो अपोजिट चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, दे आर हेल्ड टुगेदर विद इन अ स्पीयर. एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेट विद इन द स्पीयर ऑल ओवर. एंड ही सेड दैट द अपोजिट चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड द positive charge part protons are held together by a force of attraction and which together make an atom as an electrically neutral. So J.J. Thomson concluded that an atom is positively charged spheres and the electrons are negatively charged. An atom as a whole is electrically neutral and the electrons are distributed equally all over and the electrons are embedded inside it. Okay, so this was the experiment suggested by a Thomson model of an atom. So let us recall what does he applied. Positive charge in the atoms holds the negative charge of the electrons. So electrons as an atom kya hoga? Electrically neutral hai. Ye Thomson ne bola tha. Theek hai? Now let us recall what does he give us. Let us recap. He said us that atoms are made up of charged particles. Usne kya bola? Atoms are made up of charged particles. And according to the Thomson model, an atom is a is a sphere with electron sets within it. Nextly, he said then atom is electrically neutral. And shortcomings of the Thomson that his assumption was incorrect that atoms are embedded in a positively charged spheres. Electrons are embedded. Today in lecture 3, we will be covering the topic that is models of atom. Till the previous videos, in the previous videos, we have studied about the discovery of protons, discovery of electron and discovery of neutron. That is clear to you. Now, atomic models, we will study Thomson model, Rutherford model in today's lecture. Thomson model of an atom. Now, scientist has discovered that after the discovery of electrons and protons, the scientists started thinking of arranging these particles in an atom. जैसे अभी discovery of proton और electron हो चुका था, तो scientists सोचने लग गए कि हम कैसे arrange कर सकते इस particles को एक atom के अंदर. ठीक है, so different scientists started working in this and different models were proposed to explain the distribution of subatomic particles in an atom. कि एक atom के अंदर ही electron और proton होगा कहाँ. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो डिस्कवर्ड हो गया, बट एक एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होगा, कहाँ रिसाइड करेगा, कौन सी जगह पे होगा, वो साइंटिस्ट को जानने की क्यूरियोसिटी जागी. ठीक है, क्यूरियोसिटी जागी उनकी. सो द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट दैट इज रदरफोर्ड, सॉरी जे जे थॉमसन, ही केम फॉरवर्ड बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम विच इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल एटम मॉडल और यू कैन से अर्थ योर वाटरमेलन मॉडल. ना हाउ इट इज नोन एज दिस प्लम पुडिंग मॉडल या फिर रेजिंग पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल वो हम देखेंगे. ठीक है, सो जे जे थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बट ही सेड कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्पीयर विच इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेंडेड इन साइड इट. ही सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच अ वे as to give the model stable electrostatic arrangement. That he said that ki electrons aise arrange hai sphere ke andar ki wo electrostatically unka arrangement stable hai. Okay, the radius of the sphere is in the order of 10 to the power minus 10 meter, which is equal to the size of the atom. This model was much like pudding or cake
of positive charge with the raisins electrons embedded into it. Therefore, this model is also known as raisin pudding model, as you can see over here. उसको रेजिन पुडिंग मॉडल से कंपेयर किया है. ये रेजिन पुडिंग है, ठीक है. सो ये रेजिन्स है उसके अंदर, पुडिंग है, तो ये स्पीयर जो येलो पार्ट है उसको पॉजिटिव स्पीयर कंसिडर किया है. रेजिन्स को एज एन इलेक्ट्रॉन्स वो लोग ने बोला है कि कंपेयर करके ऐसा आप सोच सकते हो. ही सेड दैट. ही ऑल्सो सेड दैट दिस मॉडल एज कंपेयर्ड विथ वाटरमेलन मॉडल ऑफ अपोजिट चार्ज इन विथ स्पीड्स सीड्स इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. ये आप देख सकते हो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने वाटरमेलन के तरह भी उसको अपना जस्टिफाई किया था. ही सेड दैट एटम मॉडल, यहाँ पे एटॉमिक मॉडल के साथ और यहाँ पे वाटरमेलन, जैसे पॉजिटिव स्पीयर है तो रेड पार्ट आपका पॉजिटिव स्पीयर्स है और नेगेटिव पार्ट उसके इलेक्ट्रॉन्स की तरह उसने बोला है कि वो रिसाइड करता है. ओके, नाउ वी विल सी दिस इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड फॉर्म हाउ इट हैज़ बीन शो. As you can see, Thomson model of an atom. Are the charged particles arranged in any particular manner? ठीक है. So, sign first of all, in this diagram you can see first. I hope the experiment setup is clear to you. So, alpha, now see the experiment. Let us see the experiment. What happens over here in the setup? I hope the setup is clear. Now we have ready to see how experiment works. Alpha particles emitted. It hit the gold foil. Now, what should happen? Alpha particles, what should happen ideally? Thomson model suggested that an atom is pure, is positive charge, and the negative electrons are embedded. That means alpha particles will pass through the atoms and hit the detector straight. And why so? Why should this happen? Because the mass of the alpha particles are more than the positive charge. That means they should directly hit the atom and move straight. This should happen. Okay? But what this Rutherford observed? Rutherford observed a different result. He concluded the different result according to performing this experiment. Okay? He observed that most of the slides were non-deflected. They passed straight, but some of them deflected and some of them were rebounded. But deflect or rebound hona hi nahi chahiye tha, wo sirf straight jana chahiye. Ab rebound kyun hua? Theek hai, wo क्यों रिबाउंड हुआ, क्यों नॉन डिफ्लेक्ट हुआ? सो इसकी वजह से आपको ये पता चला कि प्लम पुडिंग मॉडल तो गलत है, प्लम पुडिंग मॉडल सही नहीं है. उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट जाना चाहिए था बट वो स्ट्रेट नहीं गया. क्यों वो रिबाउंड हुआ? दैट विल बी शोन बाय द ड्रॉबैक. दैट इज ड्रॉबैक बता रहे हो दैट. एज वी कैन सी, अल्फा पार्टिकल्स जब फॉल हुए बहुत सारे डिफ्लेक्टेड सीधे गए, ठीक है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नॉन डिफ्लेक्टेड, सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड एंड सम ऑफ few particles only rebounded, only few particles. So let us take this, how happens, how can this be possible, ki how the Thomson model was incorrect. So let us take a simple example to understand this conclusion, his conclusion. So we will take a ball made up of cotton, cotton ka ball made up of cotton, and the cotton is ball is distributed, cotton ball mein acche se distributed and has a very tiny sphere located at the center, aur wo bahut dense sphere hai, theek hai. The sphere is quite hard and dense. So agar is pe bullet aayega to kya wo bullet hit karega ya resist karega, theek hai. Same way, what happens when we shoot many bullets across it? What happens, most of those will pass through the cotton surface. Okay, most of those will pass through the cotton surface. और अगर वॉट हैपन्स इफ द बुलेट हिट्स द एज, जैसे आप देख सकते हो, सो इन दिस केस द बुलेट विल स्लाइटली चेंज इट्स पाथ एंड गेट डेविएटेड. ओके, सेम वे आई कैन आस्क यू, वॉट हैपन व्हेन द बुलेट्स हिट द सेंटर डायरेक्टली? अगर वो सेंटर पे, तो क्या होगा? इट विल बाउंस बैक, बिकॉज एज वी नो दैट द सेंटर बुलेट मास इज हार्ड टू पास थ्रू, ठीक है. सो रदरफोर्ड ने इसके अकॉर्डिंग क्या एनालाइज किया, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट को हम एनालाइज करते हैं. रदरफोर्ड सेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, बिकॉज इफ मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, देयर देन वेयर इज अ पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड. उसको क्वेश्चन आया कि मोस्ट अगर स्पेस एम्प्टी है, तो जो थॉमसन ने बोला था कि देर इज अ पॉजिटिव चार्ज स्पीयर, सो वेयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो उसको इससे क्या कंक्लूजन मिला कि पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड इन द स्पे स्मॉल स्पेस इनसाइड एन एटम. ही गॉट द कंक्लूजन.
But how? Now, why did he think so? So, let us go back to our cotton ball example. So, the bullets get deviated and rebounded, as we said, ki edge pe jab laga tha, toh wo rebound hua, aur wo deviate back hua, rebounds hua. Matlab, isse kya pata chal raha hai aapko? This result concluded that, ki there must be positive, do ho sakta hai conclusion, ki positive-positive charge repel each other. As we said that the dense has positive charge, aur wo positive charge particles uspe strike back hua. एच से हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है. ये कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने. सो बिकॉज ऑफ दिस कंक्लूजन रदरफोर्ड कंक्लूडेड विद अ न्यू मॉडल. ये जो कंक्लूजन आपने देखा, दो मोस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ स्मॉल स्पेस इनसाइड द एटम. बिकॉज ऑफ दिस ही कंक्लूडेड अ न्यू मॉडल विच इज नोन एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, विच इज नोन एज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम. ओके, तो जैसे जैसे स्पीयर को बढ़ाओगे तो डेविएशन क्या होगा, देख सकते हो. जैसे मैंने स्पीयर की साइज बढ़ा दी तो डेविएशन भी क्या हो गया, बढ़ गया. ओके, नाउ सो सोर्स ऑफ लाइट पास हुआ, क्या पता चला उसको, सोर्स ऑफ लाइट पास हुआ, मोस्ट ऑफ देम गेट नॉन डिफ्लेक्टेड, कुछ सीधा गया, बहुत कम डेविएट हुआ, और बहुत अगर 2000 रेस पास किए तो उसमें से खाली एक रीबाउंड हुआ. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस ही कंक्लूडेड अ हाइपोथेसिस, मीन्स ऐसे रफ एंड ट्रायल. सो फर्स्ट ही सेड दैट देर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. ठीक है, सेकेंड ही सेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्क्यूलर पाथ एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एन एटम. So this was the hypothesis given by him for the nuclear model of an atom. Okay, now let us go for the drawbacks in Rutherford hypothesis. Charged objects which revolves in a circular motion gains acceleration. Okay, so if an electron is moving fast in a circular path, it will gain acceleration, and on gaining acceleration in about to liberate energy. Now if it continuously radiate energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and fall in the न्यूक्लियस. एनर्जी वो अपना लूज करेगा और न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेगा. दैट्स विल रिजल्ट टू द अनस्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. But does it really happen? No. Does it really happens? No. Atom in the nature is quite stable. It is stable. So the hypothesis given by Rutherford was not actually wrong, but it requires certain type of path, a certain type of observation to be done, which was given by Bohr later. Okay. Now, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम इज क्लियर टू यू, ड्रॉबैक क्लियर है. मैं ड्रॉबैक वापस एक एग्जांपल से समझा रही हूँ कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें ना सर्कुलर पाथ. अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम के आसपास सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे तो एक टाइम के बाद वो एनर्जी कंटिन्यूसली क्या करेंगे, लूज करेंगे अपनी एनर्जी को और वो बम्बार्ड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल गोल घूम रहे हो, स्पिन कर रहे हो, सो उसकी वजह से आप एक टाइम पे अपनी एनर्जी लूज करते हो और आप फॉल्ट बैक होते हो. तो सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है तो एक टाइम के बाद वो अपनी एनर्जी लूज करेगा और क्या करेगा, डायरेक्ट बम्बार्ड हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड विच वॉज मेड क्लियर बाय बोर इन द फर्दर मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एन एटम, वहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे. ठीक है, सो अभी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का क्या था, एज यू कैन से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था. उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल लिया. अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, उसको पास किया, बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल से, रेस क्लियर हुए, रेस पास हो गए उसमें से, स्ट्राइक आउट हुए, फिर वो रेस जिंक फ्लोरेसेंस में फ्लो हुए तो देखा कि बहुत सारे सीधे नॉन डिफ्लेक्टेड हुए, बहुत रेयर डिफ्लेक्ट हुए, एंड अगर 2000 रेस पास हुए तो उसमें से 1 रिबाउंस हुए. ठीक है, वो भी क्यों हुआ वो भी मैंने आपको क्लियर करवाया कि देर इज अ सेंटर विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ओके, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अल्फा पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर. तो वो क्या हो गए होंगे, जब वो एच पे लगे होंगे उसके तो वो रिपेल बैक हो गए होंगे. सो दिस concluded that the Thomson model was incorrect. Why? Because Thomson ने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज हर एक जगह पे embedded है. तो अगर पॉजिटिव चार्ज हर एक जगह पे embedded होता तो क्या होता, उसकी वजह से सारे रेस क्या होने चाहिए थे, डिफ्लेक्ट बैक होने चाहिए थे, बट सारे रेस डिफ्लेक्ट बैक नहीं हुए, उल्टा बहुत कम रेस हुए. तो उसकी वजह से क्या पता चला कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है. ठीक है, सो Now is this thing clear to you? Thomson model of an atom, उसका observation result
क्या उसने सोचा था, ऑब्जर्वेशन उसको क्या मिला, ये आप नोट डाउन करोगे, ठीक है. कंक्लूजन, व्हाट डज ही गेट, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन विच वाज नोन एज न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ वेरी हाई स्पीड इन अ सर्क्युलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. नाउ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस वॉज द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. ये आपका नाइन्थ में आपने देखा होगा अल्फा पार्टिकल्स से, ठीक है. थैंक यू.